एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावत रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मजेदार सी, सबको पसंद आने वाली पॉम्फ्रेट फिश करी की रेसिपी। फिश करी तो हर कोई बनाता है, पर इस तरीके से अगर कोकनी स्टाइल में बनाएंगे आप तो आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। फिश है, ये पॉम्फ्रेट की फिश है, हाफ केजी है, आधा किलो हमने यहाँ पे फिश लिया है। तो फिश को हम साइड में रख देते हैं। हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिया है, 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम ये मसालों को पीसना है। तो यहाँ पे हमें मसाला लगने वाला है। हमने यहाँ पे 8 लहसुन की कलियां ली है, मीडियम साइज की है, और 2 टीस्पून हमने यहाँ पे साबित जीरा लिया, साबित धनिया लिया है, उसके बाद साबित जीरा लिया है 1 टीस्पून, और ये रेड चिली है सूखी वाली, लाल मिर्चे लिए 4 हमने, ये बेटगी मिर्ची है, और ये हमने हरा धनिया थोड़ा सा लिया है फ्लेवर के लिए, ताकि मसाले में पीसते वक्त जो अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे सूखा कोकोनट लिया है 2 टेबलस्पून। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए तो इसमें आप 3 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। तो अब इस मसाले को हमें पीसना है, और उसके बाद ये हमने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं। तो 2 टोमेटो को हमने रफली चॉप किया है, तो इसका हमें प्यूरी बनाना है, तो इसका भी हम प्यूरी बना लेते हैं। देखिए हमने टमाटर की भी प्यूरी बना ली है, अच्छी से महीन पेस्ट बनानी है, और उसके बाद हमने मसाले को भी अच्छा सा महीन पीस लिया है। तो और साइड में हमने एक यहाँ पे बर्तन लिया है, उसमें हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, और बर्तन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमें फ्रेश करी लीव्स ऐड करनी है, कड़ी पत्ता हमने लिया है, फ्रेश की जो टेस्ट बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हमने फ्रेश करी पत्ता का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को मीडियम हमने रखा है, उसमें हम ये प्यूरी ऐड करेंगे टोमेटो की, और इस तरह चलाएंगे। हल्का सा चलाना है इसको 1 मिनट तक। देखिए टमाटर का कच्चापन जाने के लिए हमें टमाटर को भून के लेना है, इस तरह प्यूरी को हमें चलाते रहना है। और अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक। हमने लिया है यहाँ पे नमक, स्वाद अनुसार नमक लेना है, और उसके बाद रेड चिली पाउडर हमने ली है यहाँ पे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिए। अब ये सारे मसाले और नमक इसमें चला जाएगा। रेड चिली पाउडर हमने यहाँ पे लिया है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, कलर के लिए अच्छी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे, और मसाले को भी हम अच्छा सा इसमें भून लेते हैं प्यूरी के साथ। देखिए 1 मिनट हमने मसाले को प्यूरी के साथ इस तरह से चला लिया है, भून लिया है, और ऑयल भी सेपरेट हो रहा है हमारा। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 2 कप। फ्लेम को हाई करेंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है सारे मसाले को पानी के साथ। जैसे ही मसाले को एक हल्का बॉईल आ जाएगा तब हम फिश को ऐड करेंगे। देखिए कितने अच्छे से बॉईल आ चुका है ग्रेवी को हमारे। तो अब हम इसे फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें फिश ऐड करेंगे। एक एक करके इस तरह से सारे पीसेस को ऐड करना है। सारा फिश हमने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए अब हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, और इसमें हमने यहाँ पे
ये सूखा आम लिया है। यहाँ पे पानी में मैंने भिगने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। तो हम यहाँ पे 2 स्लाइस सूखे हुए आम के इसमें ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी खटाई आ जाए। अगर आपके पास इस तरह के सूखा हुआ आम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें कोकम का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इमली के पल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिश के मसाले में अगर खटाई नहीं है तो इसका मजा नहीं आता है खाने में, इसलिए ये डालना जरूरी है। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक और ढककर इसको रख देते हैं पकने के लिए। फिश करी को हमारे तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, खुशबू भी अच्छी आ जाए। और 2 मिनट हम इसको कवर करके फिर से कुक करने के लिए रख देते हैं लो फ्लेम पे। देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी पॉम्फ्रेट फिश करी बनकर तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और करी को डिश आउट करेंगे। हमारी ये पॉम्फ्रेट फिश करी बनकर तैयार हो गई है और हमने इसे सर्व किया है। कितनी बेहतरीन लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।